हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी दांत में कीड़ा लग जाता है या फिर टूथ डिके हो जाता है या फिर कैविटीज़ लग जाती हैं तो किस तरीके से उस कैविटी को क्लीन किया जाता है, क्या हमारा बेसिक प्रोटोकॉल होता है उसको क्लीन करने का, और उसके बाद उसको कैसे हम फिल करते हैं, पॉलिश करते हैं, और एंड रिज़ल्ट क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेकर आता है सेंसिटिविटी की कंप्लेन के बाद जब हम इनका डायग्नोसिस करते हैं, पूरे ओरल कैविटी को एग्जामिन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर उनको कैविटी लगी है। कैविटी को क्लीन करने के लिए हम एयरोटर का यूज़ करते हैं जिसमें से वाटर स्प्रे निकलता है और साथ में इससे ड्रिलिंग होती है उस कैविटी वाले पार्ट की जो डिके हो चुका है, जो टूथ का जो पार्ट जो ख़राब हो चुका है उसको हम इससे हटाते हैं। साथ में यहाँ पर एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी साइड में, ये सलाइवा इजेक्टर होता है या फिर वाटर इजेक्टर होता है। जो भी वाटर इस एयरोटर के थ्रू मुंह के अंदर आता है तो ये उसको हटाता रहता है, यानी कि इजेक्ट करता रहता है। हम पूरी कैविटी को अच्छे से क्लीन करते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लैक पोर्शन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा पोर्शन रह जाता है तो दोबारा यहाँ पर कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कैविटी क्या होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है, कई बार हमें आँखों से नहीं दिखता कि हमने पूरी कैविटी को क्लीन कर दिया है या नहीं। हमें पोर्शन वाइट तो दिखता है लेकिन फिर भी हो सकता है कि वहाँ पर कैविटी का पार्ट रह गया हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर डाई लगाते हैं। इंडिकेटर डाई से जिस जिस एरिया में कैविटी रह चुकी है, अभी बची है, जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिख पा रही है, वो इस डाई के थ्रू कलर हो जाती है। इस डाई को हम लगाते हैं, उसके बाद इसको कुछ 10-15 सेकंड के लिए वेट करते हैं एंड इसको वॉश ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी डाई रह चुकी है ना, जहाँ जहाँ पे भी उसने टूथ को कलर किया है, दैट मीन्स वहाँ पर अभी भी कैविटी का पोर्शन है। तो अब हम इसको दोबारा क्लीन करते हैं। हम ये डाई इसके बाद वापस लगाते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि हाँ, हमने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है कैविटी को या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी सी भी कैविटी अगर रह गई तो ये सेकेंडरी केरीज कर देगी, यानी कि दोबारा कैविटी के चांसेस हो सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो एक ही बार में अच्छे से करें, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि बहुत ही कम टूथ स्ट्रक्चर को काटना होता है, प्लस साथ में हमें कैविटी को भी रिमूव करना होता है। यानी कि हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम इररिलेवेंटली कोई भी अच्छा टूथ स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना करें इस एयरोटर के थ्रू। अब लास्ट में मैं क्या करता हूँ, स्केलर से इसको स्केल कर लेता हूँ ताकि जो छोटा मोटा भी कैरियस पोर्शन बचा हो तो वो हट जाए। अब मैं इसको पूरी तरह से क्लीन करके देखता हूँ, चेम्बर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। एंड देन अब मैं एचेंट लगाता हूँ। एचेंट एक टाइप का एसिड होता है, इससे क्या होता है कि दांत के अंदर माइक्रो पोर्स बन जाते हैं, क्योंकि जो हम फिलिंग करने वाले हैं वो जाके इन पोर्स के अंदर अटक जाएगी और नहीं निकलेगी। तो 15 सेकंड्स के लिए हम एचेंट लगाते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं। एचेंट लगाने के बाद मैं इसको वॉश ऑफ कर देता हूँ। अगर ये एचेंट पेशेंट टेस्ट कर लेता है ना तो उसे बहुत ही खट्टा लगता है ये। इसके बाद मैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस लगाने वाला हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस क्यों लगाते हैं, बाय चांस हमने चलो वैसे तो कैरीज इंडिकेटर डाई लगा के चेक कर लिया था कि कोई कैरियस पोर्शन रह तो नहीं गया, लेकिन बाय चांस फिर भी अगर किसी कारणवश वहाँ पर कैरीज रह जाती है तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि फ्यूचर में वहाँ पर दोबारा से कीड़ा ना लगे, वापस कैरीज ना हो, हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस लगा देते हैं। कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं कैविटी के नीचे बेस लगाना, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं यहाँ पर बेस अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि डीप कैविटीज़ के केसेस के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि सेकेंडरी कैरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस लगाता हूँ।
अब मैं इसको बेस को ड्राई कर देता हूँ पूरा। जब ये सूख जाता है, इसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20-30 सेकेंड्स में ये बेस पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर बॉन्डिंग एजेंट लगाता हूँ। बॉन्डिंग एजेंट से क्या होता है कि जो फिलिंग हम करते हैं वो इस टूथ के साथ अच्छे से बॉन्ड हो जाती है। बॉन्डिंग एजेंट भी कई टाइप्स के आते हैं। अब मैं यहाँ पर लाइट सोर्स के थ्रू इस बॉन्डिंग एजेंट को क्योर कर देता हूँ, यानी कि सुखा देता हूँ, इस बॉन्डिंग एजेंट को पूरी तरह से सेट कर देता हूँ। उसके बाद हम टूथ कलर की फिलिंग करते हैं, जिसे कॉम्पोजिट बोला जाता है। यहाँ पर हम कॉम्पोजिट को कंडेंस करते हैं टूथ के अंदर। कंडेंस करने के बाद अब यहाँ पर हम उसे शेप देने की कोशिश करते हैं, जो नेचुरल शेप टूथ का होता है। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमने फिलिंग करी है ये बिल्कुल उसी शेप में आ जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत कार्विंग कर देते हैं ताकि ये नेचुरल लगे। कार्विंग करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्योर कर देते हैं ब्लू लाइट से। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हो सकता है कि फिलिंग जो हमने करी हो वो थोड़ी सी ऊंची रह गई हो, जिसमें हाई पॉइंट्स पेशेंट बोलता है कि मुझे थोड़ा ऊंचा ऊंचा फील होता है। तो यहाँ पर हम आर्टिकुलेटिंग पेपर का यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर फिलिंग ऊंची रह गई है या कहाँ कहाँ पर वो टच हो रही है पेशेंट को। तो जिस पॉइंट पे वो टच हो रही है वो पॉइंट यहाँ इस आर्टिकुलेटिंग पेपर से ट्रेस हो जाते हैं और फिर हम उनको ट्रिम करके कम कर देते हैं। और फाइनली ये फिलिंग कुछ इस तरीके की दिखती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टूथ के अंदर फिलिंग की जाती है। सो एट दैट नोट, दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।